हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के लिए चिन्हित वन विभाग की जमीन फर्जीवाड़े से व्यवसायी को बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आला अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर ये कारनामा कर दिखाया है। निशानदेही के दौरान हुई इस खुलासे के बाद तकनीकी विश्वविद्यालय प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति के अनुसार मामला ध्यान में आने के बाद छानबीन के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि तकनीकी विश्वविद्यालय का हमीरपुर के दुरूही गांव में निर्माण कार्य चला हुआ है और निर्माणाधीन काम के लिए 7 लगती जमीन पर एक नामी व्यवसायी ने तकनीकी विश्वविद्यालय का काम रुकवा दिया है और दावा किया है कि ये जमीन किसी व्यक्ति से खरीदी है। इस आधार पर निशानदेही ली गई तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया, जिसमें प्रस्तावित जमीन का कुछ हिस्सा 14 अगस्त 2017 को व्यवसायी के नाम बिक चुका था। बकायदा राजस्व विभाग के पास रजिस्ट्री के बाद इंतकाल भी कर दिया गया था, लेकिन इस तरह मिलीभक्ति के चलते जमीन किसी के नाम निकलने पर अब छानबीन जारी है। उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद छानबीन की जा रही है और जांच पड़ताल करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रशासन अपने स्तर पर जांच कर रहा है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, इसमें कुछ भी ऐसे खास नहीं है जो हमारे लिए संवेदनशील या फिर प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि ये 1300 कनाल के आसपास जमीन दी गई थी टेक्निकल एजुकेशन को, और उसमें से कुछ 4 या 5 कनाल जमीन है जो FCA आने से पहले बंदोबस्ती के टाइम तब्दील की गई थी, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है और उसमें गवर्नमेंट को कोई भी लॉस नहीं है, ना तो कोई रेवेन्यू का लॉस है ना तो कोई जमीन का लॉस है, तो इस मुद्दे को यही छोड़ना उचित होगा।